नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सैनी सैनी गार्डन में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज मैं एक पीपल का पेड़ है जिसे निकाल कर मैं पॉट में शिफ्ट करूँगा। देखिए दोस्तों, इसकी जो ट्रंक है काफ़ी मोटी है और इसकी शेप भी अच्छी है। ये कोई दीवार है, उस दीवार के अंदर लगा हुआ है। मैं इसे यहाँ से निकालूंगा दीवार से और अपने घर पे ले जाके इसे पॉट में शिफ्ट करूँगा। दोस्तों, ये काफी पत्थरों के बीच में है, दीवार के बीच में, तो ये आसानी से नहीं निकलेगा। इसलिए मैं इसके थोड़ी थोड़ी साइड की जो मिट्टी है वो हटाऊंगा पहले। तो आप देख रहे हैं, मैंने इसकी मिट्टी हटा दी है। दोस्तों, मैं इसे निकाल के ले आया हूँ। अब मैंने इसे गीली मिट्टी लगाकर इसे पन्नी में पैक कर दिया है ताकि मैं जब घर जाऊँ तब तक इसकी जो रूट्स है, थोड़ी जो छोटी रूट्स आई हुई हैं वो है इसमें, बड़ी रूट्स मैंने काट दी है तो वो ख़राब ना हो, इसकी हवा ना लगे, इसलिए मैंने इसे टेप लगा के इसे पैक कर दिया है। आप देख रहे हैं दोस्तों, इसकी शेप अच्छी है। काफ़ी हेल्थी ट्री है ये। अब मैं इसे मटके से पॉट बनाई है, मैं इसमें शिफ्ट करूँगा। आप देख रहे हैं, दोस्तों पीपल ज़्यादातर पथरीले इलाके में होता है, कंकड़ में, पत्थर में लगते हैं, इसलिए मैंने जो मिट्टी और जो खाद मैंने मिलाया है उसके बीच में मैंने कुछ कंकड़ भी मिला दिए हैं ताकि ये जल्दी ग्रो करे, क्योंकि पत्थर के अंदर ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है पीपल। दोस्तों, ये फाइव स्टडी के अंदर आता है पीपल का ट्री, फाइव कसली इंग्लिश में बोलते हैं इसको। दोस्तों, नीचे हमने कुछ पत्थर और जो हमारे कौन सा मटेरियल जो खाद था, थोड़ी सी बजरी मिला के हमने डाल दिया है ऊपर, हम इस पे सिंपल जो मिट्टी है वो डालेंगे। आप देख रहे हो दोस्तों, काफ़ी अच्छी शेप है इसकी और हमने इसे पॉट में शिफ्ट कर दिया है। इसकी ट्रंक जो है वो काफ़ी मोटी है, जो इसकी ब्रांच है वो भी ठीक ठाक है, मोटी है। ये देखिए, यहाँ से इसकी जो ब्रांच है छिली हुई है, इसकी कोई ब्रांच यहाँ से टूटी हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये जब 10-12 दिन में जब सेट हो जाएगा तो मैं इसके जो ब्रांच है न्यू उस पर वायरिंग करूँगा। ऊपर से आप देख रहे हैं, ऊपर इसकी जो ट्रंक थी मैंने उस पर कटिंग कर दी है, क्योंकि यहाँ से ये सूखी हुई थी थोड़ी थोड़ी।
उसको अब हम इसमें पानी डालेंगे। जो आप पीछे देख रहे हैं वो मेरे दूसरे ही है। चलो कर दियो। दोस्तों हमने इस पे लगा दिया है, आप देख रहे हैं मेरे हाथ के पास में छोटी सी इसकी जो नई ब्रांच निकल रही है, मैं आपको बताऊंगा। काफी हेल्थी है ये ट्री, और ये आप देख रहे हैं नीचे इसकी न्यू ब्रांच है जो राशन निकल रही है। जो बैक साइड में जो मेरे ट्री रखे हैं, मैंने काफी ट्री लगाए हुए हैं, नए कुछ मैंने वीडियो बनाए थे अभी डाली थी अनार के पेड़ की कटिंग कैसे लगाएं, गुलाब की कटिंग कैसे लगाएं, और इसमें जो तिलहनी है, हाई कट के ट्री है, कुछ गुड़हल के ट्री हैं, डिस्कस के मैंने सारे दुनिया जो ट्री लगाए हैं वो यहीं पे है। थैंक यू दोस्तों, वॉच माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।